मैंने जो बालाजी लिखा हुआ है जब से लिख रखा जब इरफान पठान बालाजी की ओपनिंग हुई थी। अच्छा, और यहाँ पहली बार आए थे कॉम्प्लेक्स में तो मैंने बहुत सारे प्लेयरों को खिला रखा। अच्छा, जो मोहम्मद अजहरुद्दीन कैप्टन हुआ करते थे। तो वाइट वाला मक्खन है जी, क्रीम वाला। ये क्रीम वाला मक्खन आ गया जी सर। अच्छा, तो बाकी मक्खन और इसमें क्या खासियत है? ये क्रीम से ही जाएगा आता जी इसके अंदर। अच्छा जी, और जो वैसे मक्खन होते हैं वो अलग होते हैं। ये आई हमारी ग्रेवी। ये डाला हमने धनिया अदरक बारीक कटवाया। ये प्याज होती है जी मुनी भाई जो कोरमे में डलती है। अच्छा जी, ये ग्रेवी कौन सा डाला आपने? ग्रेवी में क्या है? ये ग्रेवी होती है हमारी अपनी खुद की बनाई हुई, जिसको हम किसी को नहीं बताते हैं। अच्छा, ये सीक्रेट है आपका? हाँ जी, और आप खाएंगे तो ज़बरदस्त आइटम है जी ये, शायद मेरे अलावा ना मिला कहीं, तो मैंने ये सबसे अलग बनाया जी। तो ये कहाँ पे बन रहा है ये भी नहीं बताएंगे आप? नहीं, मेरठ शहर के अंदर है सर ये। अच्छा जी, बिल्कुल 26 साल से बना रहे हैं आप ये? ये जहाँ आप खा रहे हो। हाँ जी, ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। अच्छा जी, सारे वर्ल्ड की बड़ी फैक्ट्रियाँ सारी यहीं हैं। अच्छा जी, ये मैंने चापली फ्राई वाली। ओके, नहीं तो मेरे यहाँ भीड़ किस कदर होती है। वैसे हमने सुना है कि आपने कपिल देव को भी खिलाया है ये? जी हाँ। क्या बात है, ये तो मैंने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तो मैंने बहुत सारे प्लेयरों को खिला रखा। अच्छा, जो मोहम्मद अजहरुद्दीन कैप्टन हुआ करते थे। हाँ जी, बहुत सारे प्लेयर इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका पता नहीं कहाँ कहाँ जाते थे जब हमारे पास मोबाइल नहीं होते थे। अच्छा जी, सबको खिला दिया आपने? बहुत लोग आते थे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। मैं SG कंपनी के बाहर ही लगाता था जी। अच्छा जी, और आज भी यहीं लगा रहा हूँ। ये सामने SG कंपनी है, स्पोर्ट्स की बड़ी कंपनी, वर्ल्ड फेमस कंपनी है ये। पूरे वर्ल्ड में जो SG के नाम से बल्ले होते हैं वो यहीं होते हैं। मैंने जो बालाजी लिखा हुआ है जब से लिख रखा जब इरफान पठान बालाजी की ओपनिंग हुई थी। अच्छा, और यहाँ पहली बार आए थे वो भी खाए आपके पास ही? सर, मिर्च बताइए कैसे लेंगे आप? मिर्च जायके अनुसार होती है सर। इस पर जायके के अनुसार थोड़ा हल्की डालना। हल्की, ये नींबू आपके जायके अनुसार है सर। और ये मक्खन होता है अमूल। ये अमूल का मक्खन है? हाँ जी, मैं अमूल ही यूज करता हूँ और कोई ऐसा मक्खन यूज नहीं करता। तो आप खाइए बताइए कैसी है। रुमाली रोटी और दो भाई। ये रोटी है जी रुमाली? ये रुमाली रोटी आप खुद बनाते कि लेके आते? नहीं जी, ये तो आती है बेकरी से हमारे पास। अच्छा जी, मेरे पास 4 लड़के काम करते हैं। अच्छा जी, चाप खा के आप चाप खाइए। भैया